40x32 हाउस प्लान डिज़ाइन, इसमें हम 8 फीट हाइट में ऐसे प्लानिंग डिज़ाइन रखेंगे, ठीक है। इस डिज़ाइन के अंदर देखिए हम क्या क्या रखेंगे, यहाँ पर 18 फीट, 12 फीट, 12 इंच एंड 6 इंच, ठीक है, 18 इंच, नॉट फीट सॉरी। तो इसमें देखिए हम GL to PL, इसका भी एक यहाँ पर हम ऐसे पार्ट रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद इसका जो प्लानिंग है इसका वाइज यहाँ पर 7 फीट बाई 4 फीट एक डोर हम यहाँ पर मेन डोर जो है यहाँ पर सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 फीट बाई 3 फीट भी इधर एक डोर हम यहाँ पर ऐसे सेट करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐसे 2 फीट 4 इंच इधर रखेंगे, और इसके बाद इसका जो डोर यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, तो डोर करने के लिए हमें इधर 7 फीट बाई 3 फीट का डोर यहाँ पर प्रोवाइड करना है, ठीक है, ऐसे कर दिया हमने। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इधर एक डोर 7 फीट बाई 3 फीट और इधर एक डोर 7 फीट बाई 2 फीट 6 इंच और इधर एक डोर 7 फीट बाई 2 फीट 6 इंच हम रखेंगे। वॉशरूम के साथ टॉयलेट एंड बाथ इधर रखेंगे, यहाँ पर रूम का जो है डोर इधर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसे करने के बाद हमें क्या करना है, इसका जो है विंडो हम यहाँ पर क्रिएट करें 7 फीट और इसके नीचे 4 फीट 6 इंच, ओके यहाँ पर, ओके। उसके बाद ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम ऐसे सेव करेंगे। उसके बाद इधर हमें करना है विंडो, इधर भी एक विंडो हमें प्रोवाइड करना है, और पीछे में कोई हम विंडो नहीं दिखाएंगे, पीछे हमारा ब्लॉक है साइड, इसमें हम से यहाँ पर ऐसे विंडो रखेंगे, बाकी पीछे में हम ब्लॉक रखेंगे, ठीक है, क्योंकि पीछे हमें जगह नहीं मिलेगा, ओके। तो ऐसे रखने के बाद हमें क्या करना है, इधर जो विंडो है इसका पार्ट इधर से हम ऐसे आउट करेंगे, और इधर वेंटिलेटर जहाँ पर रहेगा हम अभी पर इसको भी इधर से देखिए ऐसे टाइट करेंगे, ठीक है, ऐसे। तो करने से क्या होगा, हमें ऐसे पोजीशन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके अंदर कुछ फर्नीचर और कुछ कलर ऐड करना है, ठीक है। प्लान के अंदर कुछ फर्नीचर और कुछ विंडो और डोर यहाँ पर हमने सेट कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको डोर विंडो का पोजीशन अच्छे से दिखाई देगा बाहर की तरफ, अंदर का डोर तो इधर दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पर देखिए जो है टॉयलेट जाने से पहले आपको एक वॉशरूम मिल जाएगा, उसके बाद टॉयलेट एंड बाथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेड है देखिए, यहाँ पर एक बेड, यहाँ पर एक टीवी यूनिट, इधर एक आपका आलमी का, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इधर जो है एक बेड, उसके साथ एक आलमी है, तो टीवी यूनिट आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। और बाहर की तरफ हमने कोई टीवी यूनिट नहीं रखा है, ठीक है, यहाँ पर एक सोफा सेट है। तो चलिए इसमें जो डिटेलिंग है हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करें। देखिए इधर हमने जो प्लान किया है, तो देखिए 14 फीट बाई 32 फीट, ओके, यहाँ पर देखिए 9 फीट बाई 10 फीट, इधर 9 फीट बाई 8 फीट 3 इंच स्टडी रूम बेड का स्टडी, इधर देखिए 11 फीट 4 बाई 7 फीट 11 इंच, इधर देखिए 3 फीट 1 इंच 11 इंच, और इधर हमने 3 फीट 7 इंच रखा है, इधर रखा है 6 फीट, और इधर जो है 3 फीट 9 इंच, ओके। इधर जो किचन 4 फीट 10 इंच ओपन किचन है इधर, और 7 फीट पोर्च एरिया जहाँ पर रहेगा, हम देखिए पूरा पोर्च यहाँ पर 9 फीट 5 इंच और यहाँ पर जो है 4 फीट 11 इंच ऐसे रखा है इधर, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे क्या क्या है, देखिए यहाँ पर जो है बेडरूम, तो यहाँ पर आएगा बेडरूम, यहाँ पर ऐसे बेडरूम यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद
study by bed, study from bed, ओके okay? उसके बाद टॉयलेट इधर, ओके okay? उसके बाद किचन जस्ट शॉर्ट फॉर्म इधर, उसके बाद ड्रॉइंग एंड ड्राइंग जस्ट इधर रहेगा, उसके बाद पोर्च, ओके इधर हम सेट करेंगे। इसका टोटल कितना आएगा स्क्वायर फीट देखिए, इधर टोटल स्क्वायर फीट हम यहाँ इधर अगर कैलकुलेट करेंगे तो 14 × 32 448 स्क्वायर फीट, ओके 448 स्क्वायर फीट, 448 स्क्वायर फीट इसका टोटल बिल्डिंग एरिया। और इस बिल्डिंग का टोटल कॉस्ट कितना आएगा, कॉस्ट जितना आएगा बिल्डिंग कॉस्ट आपको मिनिमम 6 to 7 लाख रुपीस यहाँ पर खर्चा आ जाएगा बिल्डिंग कॉस्ट, ओके। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ कॉलम ऐड करेंगे, जैसे कॉलम हमें ऐड करना चाहिए वैसे हम यहाँ पर देखिए कॉलम ऐसे हम ऐड कर देंगे तो आपको कॉलम का भी एक पोजीशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो कितना कॉलम, 8 नंबर्स कॉलम हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आउटसाइड इनसाइड वॉल 5 इंच वॉल और कॉलम साइज 10 इंच बाई 10 इंच। तो यही था प्लान और डिज़ाइन। प्लान और डिज़ाइन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें।